का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो डिटेल है प्लान का वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ये हमारे क्लाइंट हैं, उन्हीं के लिए हमने प्लान को डिजाइन किया है। एक्चुअल में उनको ये सीढ़ी वाला एरिया ओपन रखना था, जैसा कि गांव वगैरह में होता है, कई जगह पे लोग बनवाते हैं। बाकी तीनों साइड से प्लॉट आपका क्लोज है। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, इसका 2D प्लान आपको कहां से मिलेगा, इसका सेक्शन प्लान कैसे मिलेगा, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मकान के यहाँ पे 2 फीट ऊपर रखा गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट में आपको इस पैटर्न में हमने विंडो का डिज़ाइन दिया है। विंडो का डिज़ाइन मतलब खिड़की का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको प्लान ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ये विंडो का डिज़ाइन है, इसमें स्क्वायर शेप में आपको सी पैटर्न में यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। छज्जा जो है ऊपर आपका 3 फीट आगे निकाला गया है इस तरीके से, ताकि दीवार वगैरह ख़राब ना हो। इस साइड भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस पैटर्न में इस लुक पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रहा आपका रेलिंग का डिज़ाइन, रेलिंग का स्क्रीनशॉट लेकर आप मिस्त्री को दे देंगे तो मिस्त्री आपका बना के दे देगा। हाइट हमने 3 फीट रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको वुड से, सॉरी, इसको ईंट से आप बना सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका ओपन रहेगा, एक्चुअल में यहाँ पे कॉर्नर पे ओपन नहीं रखना है, लेकिन इनको सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा स्टेयर को भी क्लोज करके रखना है। इस साइड का आपका देख सकते हैं रेलिंग हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। यल पैटर्न पे हमने सीढ़ी को डिजाइन किया। सीढ़ी का जो विड्थ है 3 फीट है, ये छोटा सा एक बरामदा बोल सकते हैं, ओपन बरामदा बोल सकते हैं, फिर इसको किसी और पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा एलिवेशन का डिस्कशन, अब चलते हैं अंदर का डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये रहा आपका गेस्ट रूम का मेन दरवाजा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे 2 एंट्री है, गेस्ट रूम से भी आप कर सकते हैं। इस गेस्ट रूम का जो साइज है 11x11 का साइज रखा गया है, 11x11 का साइज है। सामने आपको यहाँ पे विंडो मिल जाएगी, सॉरी, आपको इस तरीके से टीवी का प्लेसमेंट किया गया है, और ये एक दरवाजा अंदर से भी इस तरीके से आपका दिया गया है, ताकि आप अंदर से भी इस गेस्ट रूम में एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दूसरा दरवाजा आपका सीढ़ी के साइड से भी दिया गया, ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा। हॉल का जो साइज है 14x4 इंच x12x6 इंच का। इस गेस्ट रूम के बगल में ही हमने एक टॉयलेट बाथरूम बनाया है। ये टॉयलेट बाथरूम का जो साइज है 4x6 इंच x7x8 इंच का साइज है। इसमें टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइन करके बनाए गए हैं। इसका दरवाजा चाहे तो आप सीढ़ी के साइड से भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप हॉल से भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। क्लाइंट ने हॉल से बनवाया है, उनको थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से ठीक था, क्योंकि रात वगैरह में आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे हॉल एरिया हो जाएगा। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा। किचन को यहाँ पे ओपन रखा गया है, इसकी वजह भी आपको हम बता देंगे। ये आपका किचन है, 11x5x10 इंच का साइज है। इस किचन के जस्ट बगल में आपका पूजा रूम है, भगवान गणेश की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। 4x3 के यहाँ पे पूजा रूम है, और ये बैक साइड में आपका 2 बेडरूम यहाँ पे मिलेंगे। इन बेडरूम का जो साइज है सेम रखा गया, 11x12 का साइज रखा गया इस बेडरूम का साइज, ठीक है। ये आपका सामने आपका इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपका दिया गया दोस्तों। इसी बेडरूम से अटैच आप स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ पे क्लाइंट ने इसका दरवाजा अंदर बेडरूम से ही बनवाया है। 5x6 इंच x9x2 इंच का एक अटैच आपका स्टोर रूम आपका हो जाएगा दोस्तों। वॉल पे आप देख सकते हैं टाइल्स वगैरह आपको इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो ये था पैटर्न, अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। अभी इसका पूरा वीडियो देखें तभी मैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेक्शन प्लान भी इसका मैं डिस्कस करूँगा। सेक्शन प्लान मतलब किसकी स्लैब हटाकर डिस्कस करूँगा दोस्तों। ये आपका दूसरा बेडरूम, तो टोटल इसमें गेस्ट रूम मिला के 3 बेडरूम हो गए। 2 आपके पर्सनल बेडरूम है, इसका भी साइज सेम है 11x12 का। यहाँ पे आपको इस तरीके से बेड वगैरह का प्लेसमेंट किया गया है। सामने आपके यहाँ पे टीवी वगैरह का प्लेसमेंट किया गया है दोस्तों। ऊपर आपका सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई मकान बनवाना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, अब आपको फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा दिखाते हैं। यहां पे कोई ममटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा ओपन है, यहां पे क्लाइंट ने ओपन ही बनवाया है, तो यहां पे आपको ममटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ममटी मतलब गुमटी जो बनती है वहां पे, यहां पे कोई भी जरूरत आपको ममटी की नहीं पड़ेगी। तो ये था वॉक थ्रू, अब चलते हैं सेक्शन प्लान की तरफ, आपको समझाते हैं दोस्तों। तो ये आपका सेक्शन प्लान जैसा कि डिस्कस किया गया, ये फ्रंट में आपका यहां पे सीढ़ी के लिए इस तरीके से हो जाएगा। सीढ़ी को 3 फीट रखा गया है, यल पैटर्न पे आपका सीढ़ी बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके आगे आप यहां से भी एंट्री कर सकते हैं, आपका हॉल एरिया हो जाएगा जैसा कि डिस्कस किया गया है। और ये आपका टॉयलेट बाथरूम, या इसका दरवाजा हॉल से दिया गया, अगर आप चाहें तो इसको सीढ़ी साइड से भी कर सकते हैं। इसके बगल आपका गेस्ट रूम दिया गया है, ठीक है, और गेस्ट रूम के जस्ट साइड में आपका किचन है,
और किचन के बगल में आपका पूजा रूम, और ये लास्ट में दो बेडरूम और स्टोर रूम बनाए गए हैं। ये आपका दो बेडरूम और स्टोर रूम आप बनाए गए हैं। और बाकी इस प्लान का आपको अगर PDF चाहिए, साइजेज वगैरह देख रहे हैं, तो इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मैंने एक डाउनलोड लिंक दिया है। इस प्लान का PDF आप डाउनलोड करके साइजेज वगैरह देख सकते हैं, और 100 घर के नक्शे अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।